आई थिंक अभी तो फिलहाल लग रहा है कि भाई को वहम हो रहा है, बिकॉज पिछले 1 साल से खाना हमेशा कहते आया किसी भी जिंदा है जिंदा है जिंदा है, तो आज भी हमें लग रहा है कि शायद वैसा ही ये दूसरा दिन है जहाँ पे भाई को लग रहा है कि जिंदा है। अब देखते हैं कि सच में जिंदा है, और जब पता चलेगा कि सचमुच सयूरी जिंदा है तो कैसे रिएक्ट करते सर? कहते ना मतलब अंत में सच सचमुच बाहर आता है, तो ऑफ कोर्स सच कभी ना कभी तो बाहर आएगा। अब देखते हैं कितना वक्त लगता है सच को बाहर। आज भी आई थिंक नकुल और रश्मि के बीच में केमिस्ट्री वैसी है, बट आई थिंक नकुल का बाकी सबके साथ इक्वेशन थोड़ा खराब हो गया। शायद इसमें रश्मि का भी हाथ हो सकता है ये सब चीज़ें कराने में, बिकॉज अगर आप देखोगे तो उससे जस्ट पहले कहीं ना कहीं रश्मि की इनसिक्योरिटी थी, वो चलती थी काना नकुल और सेवरी के बॉन्ड से, हमेशा उसे लेफ्ट आउट फील होता था, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी उसे लेफ्ट आउट फील कराने में, बट सिक्योरिटी की वजह से उसने जो भी किया शायद ऐसी कुछ चीजें की है। हाँ, अब तो फिलहाल सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो लड़की है जो बिल्कुल सयूरी जैसी दिखती है वो क्या सच में सयूरी है या नहीं है, और जब बाकी परिवार को पता चलेगा कि ऐसी कोई लड़की है तो क्या होता है।